हाय गाइस, आज मैं आपको फिर से इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, टूल के बारे में। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं, ये मेरा चैनल है। ये इंस्टॉलेशन की है, ये किस तरह से इस वंडर शेयर के जो फोटो फायर जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, उसका इंस्टॉलेशन किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, फुल वर्जन बनाते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको मैं अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम बैकग्राउंड काटते हैं। ये जो हमने, ये हमारा जो फोटो है, मैंने इसकी बैकग्राउंड काटी है। ये आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड काटी है मैंने, और ये PNG में है, या आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि इस फोटो में कि किस तरह से हम इसमें थोड़ा सा काम करेंगे, जो हमारा ये फोटो जो है, जो मैंने बनाया था, ये इसमें शार्पनेस आए, तो किस तरह से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज हम जाएंगे ये फोटो एडिटर, इस पे इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। आज मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके बारे में बताऊंगा। मैं ज़रा इसको अपने स्क्रीन के हिसाब से सेट कर लूँ। ये हो चुका है, तो ये एक इमेज है, और मैं आपको इस, ये इमेज इनकी है, इस सॉफ्टवेयर की है, तो मैं आपको अपनी दिखाऊंगा, जिस पे मैंने काम किया था इससे पहले वीडियो में, किस तरह से इसकी हम PNG फाइल बनाते हैं, JPG बनाते हैं, किस तरह से मैं बैकग्राउंड हटा के और दूसरा फोटो लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो है, इस फोटो को मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे इसमें एडिटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे ये इफेक्ट है, ये आप देखिए, ये इफेक्ट हैं इसमें, ये सब पॉपुलर हैं, तो यहाँ पे आप हर तरह से कर सकते हैं चेंज। इसमें कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं है, क्योंकि ये मैं इसमें जो मैंने ये इंस्टॉलेशन दिखाया है, तो इसमें फुल है एक्टिवेट के साथ, तो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं इसमें फ़ोटो की। ये बहुत तरह के इसमें स्टाइल हैं, यहाँ जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने फ़ोटो पे रख सकते हैं। ये बहुत तरीके से हैं यहाँ पे। फिर ये लोमो के नाम से है, ये लोमो स्टाइल है इसमें, ये इस तरह से आ जाता है इसमें, ये आप देखिए। फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको अगर पूरा करना है, यहाँ पे सारे आप करके देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपको ये उसको आप कर सकते हैं। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आ गई है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारे हैं इसमें, ये ब्लैक एंड व्हाइट है यहाँ। तो ये आप देखिए, ये बहुत वेंटेज के इसमें आ गया ये, जो पहले ज़माने में जो फिल्में आया करती थीं, तो वो इस तरह की हुआ करते थे उनके प्रिंट, तो आप देख सकते हैं। ये जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ये मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके जो भी फोटो हो आपका हो या कोई भी आप चाहते हैं, उसमें आपको बैकग्राउंड उसकी साफ़ करना होगी, क्योंकि ये जो मेरा ओरिजिनल फ़ोटो था, ये फ़ोटो ऐसा था, मैंने इसकी बैकग्राउंड हटाई है, इसको डिलीट करा है बैकग्राउंड को रिमूव करके, और फिर मैंने इसकी बैकग्राउंड में ये वाला फ़ोटो डाला है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ये मैंने वीडियो बनाई है। तो अब मैं ये इसमें दूसरा ऑप्शन ये वाला कर रहा हूँ, फिर मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगा और इसका भी फंक्शन आपको दिखाऊँगा किससे क्या होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सब करके आप खुद भी देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट स्टाइल है, ये पोर्ट्रेट जो होते हैं, ये देखिए इसमें, ये बहुत हैं इसमें। फिर ये सिनेमा वाला आ गया, जो आजकल सिनेमा होती है उसमें जो कलर हम लोग यूज़ करते हैं, ये ग्रीन में आ गया। तो आपको जो इसमें से अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं।
फिर ये इन्वायरमेंट का आ गया। इन्वायरमेंट के यहाँ पे बहुत तरह के हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये कलर वाला आ गया, इनके अलग अलग सब कलर होंगे। ये देखिए ये फोटो पूरा एक ही कलर में हो जाएगा। ये है सब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिंगल है, सिंगल का व्यू का है यहाँ पे, ये सिंगल व्यू है। और मैं कोई एक फोटो सेट करता हूँ, और यहाँ पे आप इसको जो आपने देखा होगा बिफोर और योर जो बनाते हैं हम लोग, ये आफ्टर, बिफोर और आफ्टर की जो इमेज बनाते हैं आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं बिफोर आफ्टर का, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये ऑप्शन आ रहे हैं इसमें और भी हैं यहाँ, तो ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये यहाँ से होता है, इसको बंद भी कर सकते हैं आप। तो ये मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाह रहा था, ये इस तरह से आधा फोटो इस तरह से हो गया, आधा यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं या कलर ले सकते हैं ग्रीन में। तो ये आधा ग्रीन हो गया, आधा ऐसा हो गया जो लोग बनाते हैं ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट होते हैं ये फोटो है जैसे। तो ये वही फोटो है, बिल्कुल मैच करा हुआ है, आईब्रो वगैरह नोज जहाँ से कटना चाहिए वहाँ से। तो ये आप आधा ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ऐसा कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से होता है वो, ये ऑप्शन है, इस तरह से आप कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, यहाँ से कर सकते हैं आप ये इस तरह से। ऊपर का कलर हो गया, नीचे ये ब्लैक एंड वाइट आ गया, ये रोटेट का है, यहाँ से यहाँ पे इमेज को रोटेट कर सकते हैं ये इस तरह से। ये आप देखिए ये रोटेट। तो मैं एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं बिल्कुल एक बहुत एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादा, तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है वो, इससे जो पहले की थी जो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में, तो वही 20 मिनट की हो गई थी, तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रोटेट का हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया बिफोर आफ्टर का होता है, यहाँ पे आप ये जूम का है, इस किस तरह से करना है फोटो, ये तो ये आप कर सकते हैं। ये फिट हो गया ये फ्रेम पे, यहाँ पे फिट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये जूम इन जूम आउट। तो ये मैंने आपको इफेक्ट दिखा दिए, इस एडवांटेज वगैरह इसमें। यहाँ आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो मैं इसको सिंगल कर देता हूँ, सिंगल में आप ये ले लिए, और यहाँ पे ये हम क्रॉप करते हैं, जो काटते हैं इमेज को किस हिसाब से काटना है, जैसे हम लोग फोटोग्राफर वगैरह होते हैं उनके साइज़ होते हैं कि इतना बाई इतना हमारा जो फोटो होता है, पासपोर्ट साइज़ होता है और भी होते हैं, तो वो आप यहाँ से काट के और इसको सेव करके और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो न्यू के लिए ये होता है, आपको अपने हिसाब से जो भी साइज़ देना है इस फोटो का। तो ये फर्स्ट जो है विड्थ है, सेकंड इसकी हाइट आ रही है, तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो पसंद हो। तो मेरा इस वक्त ये कस्टम पे है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कलर को कितना ज़्यादा ब्राइट करना है, डिम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब कलर वगैरह का यहाँ से आप कर करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा इसका एडजस्टमेंट का है, फिर यहाँ पे और भी हैं इसमें, यहाँ से भी आप कलर करके देख सकते हैं, ये सब ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ से सब करके देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ ब्लू में आ जाएगा, ये ग्रीन में आ जाएगा, रेड में आ जाएगा, और बीच में आप कर देंगे तो आपका ये नॉर्मल आ जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट है आपका था इससे पहले। यहाँ से आप कर सकते हैं ये सारे कलर्स वगैरह का होता है, यहाँ कौन सा कलर आपको लेना है, यहाँ करेंगे तो ये देखिए डार्क हो गया, यहाँ और डार्क हो गया, ये आपका नॉर्मल कलर है कस्टम जिसको कहते हैं हम, यहाँ ब्राइट हो गया। अब उसके बाद ये टोन कन्वेस कहते हैं इसको, फिर हम आएंगे यहाँ पे क्रिएटिव ब्लर हो गया यहाँ पे, तो इसको आप कर कर से दे सकते हैं ये कि किसको कितना करना है। तो ये ब्लर हो गया, ये देखिए धुंधला हो गया ऊपर से,
और ये नीचे से धुंधला हो गया इसको, फिर आप यहाँ पे जितना आपको करना है उसको आप यहाँ पे ये एडजस्ट कर सकते हैं, सारी सेटिंग है इसकी। और यहाँ करेंगे आप तो ये इस तरह से आ जाएगा फोटो को ये। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता दिए मैंने और आपको बताता जा रहा हूँ, तो मैं सारे ऑप्शन बताऊँगा आपको। मेरी वीडियो लंबी हो जाए आप लोग देखिएगा तो आपको सही से समझ में आएगा, तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ये आप देखिए ये क्लियर हो गया बहुत ज़्यादा। इसको आपको मिडिल से करना है तो ये मिडिल में रखिए, और आपको और ज़्यादा क्लियर करना है तो ये आपका ब्लोर में हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा ये यहाँ पे, तो आप फिर इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ आप इसको बंद कर देंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसकी लाइन चली जाएगी। और यहाँ पे ये और है, ये सर्किल में आता है यहाँ पे, अगर आपको सर्किल में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और इसका भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखिए ये जितना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ ये भी कर सकते हैं आप। तो आप ये देखिए खाली नाक और जो ये लिप्स हैं, नाक जो है वो, नोज़ जो है वो, और अगर आपको लिप्स करना है लिप्स कर सकते हैं, या ऊपर करना है आइज़ कर सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं जो आप चाहें। तो मैंने आपको ये तीन ऑप्शन दिखा दिए, अब मैं यहाँ आता हूँ ये दिखाता हूँ। इसमें इस तरह से हो जाता है, ये वाइट हो जाता है। तो ये जिस एरिया को आप जितना करना है उतना आप कर सकते हैं, ज़्यादा करना है आपको तो ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। रीसेट करने के लिए वापस आपको नॉर्मल लाना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से फिर यही है सब, कितना पॉइंट कम करना है ये देखिए इतना हो जाएगा आप। तो मुझे रीसेट में देखता हूँ, मैंने आपको ये सारे इसके एडजस्टमेंट के भी ऑप्शन दिखा दिए हैं। यहाँ पे ये फ्रेम आते हैं क्लासिक, तो यहाँ पे आप फ्रेम लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपना चाहें अपने भी फ्रेम डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं यहाँ से। ये सारे इसके फ्रेम हैं, आप ये देखिए, तो ये फ्रेम इसका, ये बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा टूल है ये। आपको जो फ्रेम चाहिए सारे डिज़ाइन है यहाँ पे, अगर आपको अपना चाहिए तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप फिर अपने फोल्डर में यहाँ से ला सकते हैं। फिर ये आ गया इसमें स्टाइल, लाइट लीक का आ गया ये, यहाँ आप देखिए कैसे होता है, इस तरह से होते हैं इसमें ये। और ये आप फोटोशॉप पे अपने करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये बहुत फास्ट है, ये एक तरह से ऐसे मोबाइल का एप्स काम करता है वह उसी तरह से। और आप इसको फेसबुक में यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है इसका शेयर करने का ये, और यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है यहाँ पे, और आप ये डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर का है, प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंट। तो ये अब मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखा दिए, यहाँ पे है आप अपना टैक्स, आपको जो टैक्स यहाँ पे टाइप करना है, जैसे इसका नाम है शहनाज गिल, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट है राइट लेफ्ट सेंटर और ये सब, तो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम टैक्स लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको करते हैं, तो ये आप एडजस्ट करते कर सकते हैं जहाँ आपका दिल चाहे। और जो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करनी है यहाँ आप जाइए, और इसका नाम है शहनाज गिल, और आगे का आप डिलीट कर दिए अपनी कीबोर्ड से डेल की प्रेस करके, ये हो गया। आप इसको साइज सेलेक्ट करके इसको और यहाँ पे जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो कलर चाहते हैं वो कलर आ जाएगा यहाँ पे। मैं वाइट ही रखता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप ये सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ राइट में कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेंटर में, ये एक सेटिंग होती है इसकी वो आ जाता है। यहाँ पे आप इसके फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छे लगते हैं यहाँ पे भी आप इसमें कर सकते हैं।
ये देखिए बैकग्राउंड इसकी चेंज हो रही है, यहाँ पे कलर ऊपर नीचे और नीचे करना है इसको, तो ये ज़्यादा है इसमें से। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में ये जो सेलेक्ट एरिया है, तो यहाँ पे आपको जाके इसको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इसको आपको सेंटर में लाना है यहाँ डाउन, ये इस तरह से इसको होता है, और यहाँ सेंटर में आप लाना चाहते हैं। और इसकी जो बैकग्राउंड आ रही है, अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे जाके आपको करना होगा। तो यहाँ आप जाएंगे और इसमें करेंगे, ये देखिए बैक साइड में इसमें कलर आ गया है, यहाँ जो कलर आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रेड है, यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आप कलर सब सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए, वो सब आप कर करके देखें यहाँ पे। तो ये सब है यहाँ, और आपको अगर बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ जाइए, तो आपका ये ट्रांसपेरेंट कहलाती है, ये जो स्क्वायर आते हैं ब्लैक एंड ये वाइट एंड ग्रे के, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, और इसको कहते हैं ये जो है ये फिल कलर होते हैं। तो यहाँ से आप टैक्स का काम कर सकते हैं, ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी सारे आपको मैंने ऑप्शन दिखा दिए हैं यहाँ पे, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।